दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई ट्राइड मिलेट नूडल्स स्लो फार्म की तरफ से। अगर आपके बच्चे को नूडल्स खाना पसंद है तो ये वीडियो आप पूरा देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना, तभी आपको पता चलेगा इस नूडल्स के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको सबको पता ही होगा कि मेरे बच्चों को कितना ज़्यादा नूडल्स खाना पसंद है और कितना जंक फूड खाना पसंद है। तो उसमें बता दूँ अगर ये नूडल्स के बारे में कि ये है ज़ीरो जंक का है ये, और आपको बता दूँ ये मैदे से बिल्कुल भी नहीं बना, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी है। तो इसके साथ एक पाउच आता है और बहुत ही टेस्टी है इसका मसाला। अगर बच्चे आपके स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइसी के लिए आप आधा डालें, बाकी तो आप पूरा डाल सकते हैं अगर स्पाइस पसंद है आपको बच्चों का। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अपने गैस ऑन कर लिया है और उसमें ना वाटर बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं पैकेट को पूरा फाड़ूंगी और इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, यू कैन सी। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि इसके अंदर मैदा बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अनहेल्थी है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थ। तो ये है स्लो फार्म की तरफ से काफ़ी का। तो यहाँ पर मैंने अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना बॉयल कर लिया है मैंने नूडल्स को, और इसके बाद में ना ऑयल डालूँगी मैं पैन में, फिर उसमें थोड़ी सी राई डालूंगी मैं। अगर बटर डालना चाहें आप बटर डाल सकते हैं। तो आप पैकेजिंग देख लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पैकेजिंग भी, बच्चों को देखती और खाने की आ गई। तो अगर आपके बच्चों को ज़्यादा नूडल्स खाना पसंद है तो ये वाली नूडल्स खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। और पूरी डिटेल्स आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है मैंने, और सबसे अच्छी बात ये कि 4 मिनट में बनके तैयार हो जाती है बिल्कुल ईजी तरीके से। तो यहाँ पर यह ना ये चिपकती भी नहीं है बिल्कुल भी नूडल्स की तरह, बहुत ही अच्छे तरीके से ना खिली खिली सी बनती है। तो बस यहाँ पर ये बॉयल हो चुकी है, मैं आपको पास से भी क्लोजअप भी बता देती हूँ इसका किस तरीके से ये। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, मतलब और बनने के बाद में तो आपको दिख ही जाएगा। और मेरे बच्चे कैसे खाएंगे आगे आपको उसमें भी मैं वीडियो में बताऊंगी मैं। और सबसे अच्छी बात ये है इस नूडल्स में कि ये नो रिफाइंड फ्लोर वाली है, और इसमें ना नॉट फ्राइड भी है ये। तो सबसे अच्छी इसके अंदर बेनिफिट आपको मिल जाएंगे अगर आपके बच्चे ज़्यादा नूडल्स खाते हैं तो ये नूडल्स खाएं और मज़े लें। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर प्याज डाल दिया है और पत्ता गोभी डाल दूंगी, और उसमें अगर आपके पास टमाटो है, शिमला मिर्च है, मटर है, वो भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने जो था मैंने वही ऐड करके बना रही हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो उनको मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ ये वाला, तो बना के तो उनको बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। और इसमें ना पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ है मेड बाय 2 मॉम्स, तो कितनी अच्छी बात है ना, मॉम्स को देख के ही बनाई गई है। तो बच्चे तो नूडल्स के बिगैर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं मेरे, तो वो अनहेल्थी हो जाता है और ये हेल्थी वाला है, तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं इसके अंदर। अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हो यहाँ पर मेरी। तो यहाँ पर मेरे बॉयल हो चुके हैं नूडल्स। मैंने क्या करा था, पहले पानी को है ना हीट कर लिया था, फिर उसके बाद मैं ना पाउच खोल के डाल देते इसके अंदर। तो इस तरीके से ये हो चुकी है बिल्कुल खिली खिली सी, और अब बनाना करते हैं स्टार्ट, प्रोसेस करते हैं। तो ये मैंने सब है ना सोते कर लिया है, अब इसके बस ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर नूडल्स। तो ऐड कर लेते हैं जल्दी से, और मुझे लगता है बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। तो अब ऐड करते हैं इसके अंदर मसाला, और मसाला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है इसका, मैंने इसको टेस्ट करके। तो आप आराम से या तो पूरा पैकेट डाल दें, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वाला पैकेट हाफ़, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, वैसे खा तो लेते हैं, लेकिन इसलिए हाफ़ पैकेट ही डाल रही हूँ मैं। हाफ़ पैकेट मैं बाद में डाल दूँगी इसके अंदर।